Hello, my dear students. Welcome back to Padhai Made Easy. And we were doing the chapter The Snake and the Mirror. Now we are going to start the part 2. We have seen in part 2 that what happens, the narrator was actually telling his own story that that day what happened when he suddenly came into his room and he was trying to look into the mirror. He actually thought of some decision that he had actually made at the very moment, and that was what he would actually keep us sweet smile that he had just then saw in the mirror. So he had made a decision that he would keep that smile on his face always. Let's see what happens. So he says ki main us apne jo hai chehre pe ye pyari wali muskan jo hai hamesha rakhunga to look more handsome. Kis liye? Thoda sa aur bahut hi pyara aur bahut hi handsome dikhne ke liye. Definitely ye sabki jo hai kya hoti, khwati pretty, bahut hi beautiful dikhe. अगर वो बॉयज हैं, मेन हैं, तो सबकी भी क्या होती है, थोड़ी सी ख्वाहिश होती है कि वो बहुत ही अच्छे दिखें. तो यहाँ पे जो नरेटर है वो भाई, उनकी भी वही ख्वाहिश थी. ही वॉन्टेड टू लुक मोर हैंडसम. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर. अच्छा, सवाल जो बार बार जो बहुत ही हैंडसम दिखने का पीछे जो कारण लग रहा था वो नरेटर था, वो एक्चुअली कह रहे थे कि मैं फाइनली क्या था, एक्चुअली बैचलर था. अब बैचलर था तो सीधी सी बात है, जब तक हैंडसम नहीं दिखेंगे, अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे, तब तक कोई लड़की कैसे अट्रैक्ट होगी भाई, शादी तो करना ही है. एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट. और ऊपर से क्या था, एक डॉक्टर था, मतलब बहुत सारे लोग दिन भर मिलने वाले थे, बहुत सारे लोग आने वाले थे. तो सीधी सी बात है, एक जो भी देख के जाए कम से कम थोड़ा सा जो है ये तो लगे कि क्या मस्त आदमी से, क्या मस्त बंदे से मिला था मैं. एंड अगेन, या फिर मिली थी मैं, कुल मिला के जो है वो मिली के ही चक्कर में ऐसा सोच रहे थे. अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव. और फिर से वही नॉइज, वही चूहों वाली फिर से आती है. आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम. और फिर मैं क्या हुआ, खड़ा हो गया. और फिर मैंने क्या किया, इधर उधर चलना शुरू किया, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से एक तरफ. देन अनादर लवली थॉट स्ट्रक मी. और तभी क्या होता है, अचानक से एक और ख्याल मेरे दिमाग में आता है. मतलब खाली दिमाग शैतान का घर. बंदा खाली था तो उसके दिमाग में बहुत सारे जो है ख्यालात अचानक से एक एक करके आ रहे थे. स्ट्रक का मतलब सडनली कोई चीज आ जाए. आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस. अच्छा, ये तो ख्याली पुलाव था कि मैं क्या करूंगा, शादी करूंगा. और शादी भी किससे करूंगा, एक ऐसी लड़की से जो खुद डॉक्टर हो, डॉक्टर होने के साथ साथ ढेर सारा उसके पास पैसा हो, मतलब दहेज वहेज भी मिल जाए ढेर सारा, और ऊपर से क्या हो, अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस भी उसकी हो, मतलब काफी लंबे समय से प्रैक्टिस करती रही होगी तो पैसा भी कमा लेगी और इस तरीके से हमारी जो है लाइफ मजे से कटेगी. शी हैड टू बी फैट. अच्छा, थोड़ा सा उसके दिमाग में एक, मतलब अपनी भावी पत्नी के लिए थोड़ा सा एक और कुछ आइडिया था. वो क्या था कि वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, फॉर अ वैलिड रीजन. अच्छा, वो रीजन क्या था, मतलब मोटी क्यों चाहिए था. इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी. अच्छा, और रीजन क्या था कि अगर मोटी रहेगी तो क्या होगा, मान लो किसी दिन मैंने गलती कर दी, और गलती अगर कर दी तो फिर भाई भागने की तो जरूरत पड़ेगी. अगर वो मोटी रहेगी तो मेरे पीछे दौड़ नहीं पाएगी, भाग नहीं पाएगी, और फिर मैं आसानी से वहां से निकल जाऊंगा, मुझे पकड़ नहीं पाएगी. तो ये तो था भाई साहब का रीजन, इसलिए वो एक मोटी लड़की से शादी करना चाहते थे. वैसे अगर मोटी लड़कियों को ये बात पता चल जाए कि कोई उनसे भाई इसलिए शादी करना चाहता है तो खैर वो खुश होंगी, क्योंकि अक्सर मोटी लड़कियां भाई परेशान रहती हैं कि उनको कोई तो मिल जाए. एनीवे, जो थोड़ी सी फैट होती है बहुत ही प्रिटी, बहुत ही क्यूट दिखती है, ये ऐसा मेरा मानना है. विद सच थॉट्स इन माय माइंड आई रिज्यूम्ड माय सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल. और फिर कुछ इसी सोच के हिसाब से, मतलब और ख्याल आने लगे कि कैसी दिखती होगी, है ना, अपने मेरे दिमाग में वही बात जो है क्या हुई, चलती रही. और फिर मैंने क्या किया, फिर से अपनी सीट पर रिज्यूम्ड माय सीट, मैं अपनी सीट पर फिर से बैठ गया. इन द चेयर, वही कुर्सी पर, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने. देर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव. और लेकिन अब ऊपर से कोई और आवाज नहीं आ रही थी. सडनली देर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द. और अचानक से क्या हुआ, थोड़ा सा एक हल्की सी आवाज के साथ कुछ गिरा. ऐसे लग रहा था कि कोई रबर की ट्यूब ऊपर से गिरी टू द ग्राउंड. कहां पे, ग्राउंड पे. श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट. डेफिनेटली कोई बहुत चिंता की बात नहीं थी, क्या गिरा होगा. इवन सो आई थॉट, मुझे भी ऐसा ही लगा. आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक. और मैंने सोचा कि मैं पीछे देखूं कि आखिर मैं गिरा कौन है. आई सूनर, नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर. और मैंने जब तक पीछे मुड़ के देखा नहीं था तब तक क्या हुआ,
एक बढ़िया सा मोटा सा सांप रेंगते हुए क्या हुआ, मेरी चेयर के पीछे से आ गया एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधे पे चढ़ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। और जो स्नेक का मेरे ऊपर चढ़ना और मेरा पीछे मुड़ना एक साथ था। अब सोचो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, एक इंसान पीछे मुड़ रहा है और देखता है कि उसके कंधे पे क्या आ रहा है, एक स्नेक आ रहा है। आई डिडंट जंप। भाई ऐसी परिस्थिति में तो क्या होगा, या तो आदमी बहुत कस के कूद के भागेगा, और नहीं तो क्या करेगा, एकदम फ्रीज, ठंडा। भाई अगर कुछ किया तो स्नेक है, अगर उसने जरा सा भी कुछ कर दिया तो बाद में तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं का मतलब हिला भी नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, चिल्लाया भी नहीं। चिल्लाता तो भाई क्या पता, अब वो तो मेरे कंधे पे था। देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी करने का मेरे पास कोई टाइम नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, एकदम मेरे कंधों से धीरे धीरे जो है चला, एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और मेरे बाहिने बाएं हाथ के में जो है क्या किया, अपने आप को लपेट लिया। फ्रॉम अबव द एल्बो, मतलब जो है कोहनी के ऊपर, द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली देयर 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस। और उसने अपना फन क्या किया था, निकाल लिया था, फैला लिया था, दिस हुड का मतलब उसका फन, और उसका जो सर था, इट वॉज हार्डली 3 to 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, मेरे चेहरे से 3 से 4 इंच दूर था। मतलब जरा सा हिला और उसका उसने अपना काम कर दिया। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। अच्छा उस समय ये कहना तो एकदम करेक्ट नहीं होगा कि मैं सिर्फ अपनी सांस रोके वहां पे जो है शांति से खड़ा था या फिर बैठा था, बल्कि इसके अलावा बहुत ही भूचाल मेरे अंदर चल रहा था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, बल्कि मैं पत्थर का बन चुका था, मतलब मैं हिल ही नहीं रहा था एकदम से। माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा माइंड बहुत ही तेजी से चल रहा था। द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस इन द नाइट ऑफ द लैम्प, आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लेश। और क्या हुआ, जो दरवाजा था वो भी क्या था, एकदम से उसके बाहर भी क्या था, अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, पूरे कमरे में अंधेरा था, इन द लाइट ऑफ द लैम्प, क्योंकि खाली एक छोटा सा लैम्प जल रहा था, लालटेन जल रहा था। आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लेश, और ऐसा लग रहा था कि मांस के बीच में एक छोटी सी क्या हो, पत्थर की इमेज क्या हो, वहां पे क्या हो, रखी हुई हो। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, और अचानक से मुझे मतलब सब कुछ दिखाई देने लगा, भगवान भी लगने लगे कि भगवान भी कहीं है, इधर आस ही पास रहते हैं, उन्होंने ये दुनिया को बनाया है। मतलब तुरंत जो है ऐसा होता ना कि हम लोगों के साथ जरा सा अगर कभी थोड़ा सा डर हो गया तो पूरा हनुमान चालीसा पढ़ जाते हैं, या फिर जो भी है ईश्वर का नाम, अल्लाह का नाम, जो भी हमारे गुरु हैं, देव हैं, उनको हम तुरंत याद करने लगते हैं, गॉड वॉज देयर। और उस समय हमको मुझे लगने लगा कि हाँ भगवान है, गॉड है, कहीं ना कहीं तो जरूर है। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। अच्छा वो सोच रहा था उसमें कि अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ कह दिया जो कि भगवान को अच्छा ना लगे, तो भाई भगवान क्या करेंगे, मेरे साम बगल में तो कोबरा है, और फिर सीधी सी बात है वो क्या कर सकता है, वो तो जानते ही हैं। देर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे बाएं हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, ऐसा लग रहा था कि कोई जो है मोटी सी रॉड जो है लपेटी हुई है। नो, अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर, नहीं, ऐसा लग रहा था कि एक रॉड किसकी बनी हुई हो, आग की बनी हुई, पिघलती हुई आग की बनी हुई हो। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, धीरे धीरे लेकिन बहुत ही कस के मेरा हाथ जो क्या कर रहा था, क्रश कर रहा था, दबा रहा था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वट कुड आई डू, ऐसा मेरे हाथ की जो पूरी ताकत थी वो धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। अच्छा ऐसा जो है माना जाता है कि स्नेक्स की जो पकड़ होती है, अगर वो कहीं लपेट लें और कहीं पे किसी बॉडी पार्ट में, जिस हिस्से में लपेट लें, तो उस पार्ट को बहुत ही कस के वो जो है क्या करते हैं, दबा देते हैं, मतलब उनको एक क्रश करने की भी उनकी कैपेसिटी होती है। अच्छा वही वो कुछ धीरे धीरे कर रहा था, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, और अगर मैं जरा सा भी हिला तो सीधी भी क्या करेगा भाई, वो स्नेक है, और उसके बाद तुरंत क्या करेगा, बाइट करेगा। डेथ लर्कड 4 इंचेस अवे, मौत मुझसे 4 इंच दूर लटक रही थी।
सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक. अब मेरे दिमाग में चल रहा था कि मान लो इसने काट ही लिया तो मैं कौन सी दवाई लूंगा. देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, और कमरे में कोई दवाई नहीं थी. आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर. हाँ, ये बात तो सही है कि मैं डॉक्टर था, लेकिन कैसा था, एकदम मूर्ख डॉक्टर था. डॉक्टर भी वैसा कि जिसके घर में दवाई ना हो. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ. उस समय थोड़ी देर के लिए जो खतरा मेरे पास था मैं उसको भूल गया और अपने आप की मूर्खता पर ही थोड़ा सा हंसने लगा. इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट. ऐसा लग रहा था कि भगवान भी उस बात को कह रहे थे, हाँ ठीक है, डॉक्टर दवाई नहीं रखते, आज मजे ले लो. वो भी क्या कर रहे थे, उसको अप्रिसिएट कर रहे थे. द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड. और फिर अचानक से क्या हुआ, ऐसा लगा कि भगवान को कुछ जो है लगा कि भाई बंदा अच्छा है, छोड़ दो इसको. और उसने क्या किया, अपना सर घुमाया. इट लुक्ड इन टू द मिरर. और किसमें देखा अपने आप को, मिरर में. एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और अपना रिफ्लेक्शन उसमें देखता है. आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर. और नरेटर कहते हैं कि मैं इस बात का तो क्लेम नहीं करता हूँ, गारंटी नहीं करता हूँ कि वो पहला स्नेक था जिसने कभी अपने आप को मिरर में देखा होगा. हो सकता है कहीं देखा हो, लेकिन ये घटना बहुत ही रेयर से रेयर भी इवेंट है जो कि मेरे सामने हो रही थी. एक स्नेक ने अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखा था. बट आई वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर. लेकिन हाँ, एक बार मुझे पता चल गई थी कि वो कहाँ पे देख रहा था, मिरर में ही देख रहा था. वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी. अच्छा, वो देख क्यों रहा था, क्या वो अपनी ही ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, जैसे भाई हम लोग करते हैं मिरर में देखते तो अपने आप को बड़ा हैंडसम, बड़ा ब्यूटीफुल फील करते हैं, है ना. तो उस समय क्या वो जब अपने आप को वो स्नेक मिरर में देखता तो क्या वो भी ऐसा ही फील कर रहा था. वॉज इट ओके. नाउ वील डू द नेक्स्ट पार्ट इन पार्ट 3. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पढ़ाई मेड इजी. कमिंग अप नेक्स्ट, द स्नेक एंड द मिरर पार्ट 3. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग. लव यू ऑल.